हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। देखिए, वैरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बढ़िया रैली यहां पर आई है और शेयर 332 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि अगर हम देखें तो आज 1% की हल्की सी यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे वैरॉक इंजीनियरिंग के बारे में और इस प्राइस पर शेयर में खरीदारी करना कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैरॉक इंजीनियरिंग 332 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 72% की एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। 190 रुपए से शेयर ने एक बढ़िया उछाल लगाया है और 350 रुपए तक पहुंचे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर जरूर क्रिएट हो रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो 23% की गिरावट जरूर है। 500 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया, 124 रुपए तक पहुंचा, फिर तेजी आई, फिर गिरा, 130 रुपए के आसपास पहुंचा और ये वो लेवल था जहां पर मैंने आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी। आप देख सकते हैं कि आज से 2 महीने पहले, मतलब 29 मई को वैरॉक इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। 29 मई की बात है ये, वैरॉक इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तब शेयर 130 रुपए के आसपास ट्रेड करा था और तब मैंने कहा था कि भैया बढ़िया मौका है, खरीदारी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। बढ़िया फंडामेंटल मुझे काफी अच्छे लग रहे थे और कंपनी का जो बिजनेस था वो भी मुझे उसको काफी बेहतर लग रहा था, तो मैंने खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर जरूर दी थी। तो अब जब शेयर तकरीबन 330 रुपए तक पहुंच चुका है तो अब यहाँ से क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करें। उससे पहले पिछले 3 साल का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो 3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो इसका आईपीओ था वो 2018 में आया था और 1150 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2018 के नौवे महीने से ये शेयर कंटिन्यूस टूट रहा है, कंटिन्यूस ये शेयर टूटा ही है। लॉकडाउन के चलते 124 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन बाद में बढ़िया रिकवरी आई है, 350 रुपए तक शेयर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी रिकवरी आनी और ज्यादा यहाँ पर बाकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4522 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखें तो ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है, मुश्किल से 1-2 लाख के आसपास का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 85% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FIIs ने अपनी होल्डिंग को बेचा है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बेची है, इंश्योरेंस ने थोड़ी सी होल्डिंग खरीदी है। FIIs के पास 0.27% की होल्डिंग है, 5.63% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर तरंग जैन है 45% की होल्डिंग के साथ, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 7 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 10 FIIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.86% के आसपास देखने को मिली है और देखिए डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा पे कर रहा है ये। अगर हम बात करने जाए डिविडेंड को लेकर तो डिविडेंड आप देखिए 300% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर आपको 3 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं, वो भी इसी साल फरवरी महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। देखिए वैरॉक इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो देखिए ऑटो एंसिलरी सेक्टर की ये कंपनी है और अगर हम यहाँ पर बात करें चाहे तो ये इनकी वेबसाइट्स है। और तो और इनके बिजनेस के बारे में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट अगर हम देखें तो भैया पॉलीमर के प्रोडक्ट है जो गाड़ियों में और कार्स वगैरह में लगती है, पॉलीमर के प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट होती है, मेटेलिक यहाँ पर आ गए और वैरॉक लाइटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गई। तो ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती है और कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी एक्सपैंड है, काफी बड़ा इनका बिजनेस है और एक ही प्रोडक्ट में काफी, एक ही अगर मैं आपसे पॉलीमर की ही बात करूं तो अगर आप इनका प्रोडक्ट का अगर व्यू देख लेंगे, रेंज देख लेंगे तो वाकई में काफी एक ही सेक्टर में ये बहुत बड़ी, बहुत सारी प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें बनाती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर पॉलीमर में ही दिखाऊं तो कम से कम आप यहाँ पर देखिए कि 100 के आसपास के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एयर फिल्टर असेंबली की बात करें, मिरर असेंबली की बात करें, पॉलीमर एयर फिल्टर की बात करें, सीवी बात करें, सीट असेंबली की बात करें, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो ये कंपनी बनाती है। और आप देखिए सीट की बात करें, बस के सीट की बात करें, इवन स्टाफ बस सीट की बात करें, बाइक के सीट की बात हो, कई भी सारी सीट की बात हो, तो ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती है और काफी बड़ा इनका बिजनेस है, काफी बड़ा इनका नाम भी है। तो एक नहीं कई सारी प्रोडक्ट बनाती है, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की, मेटालिक की, लाइटिंग की, कई सारी प्रोडक्ट की कंपनी बनाती है जो कार से लेकर बस से लेकर बाइक से लेकर हर जगह यूज होती है। तो काफी बड़ा इनका नेटवर्क है, काफी बढ़िया ये कंपनी है, तो इसलिए मैंने
आज से 2 महीने पहले आपको सजेस्ट की थी कि भैया यहाँ पर आपको रैली देखने को मिल सकती है। अभी वैरॉक इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं बात करने जाऊँ, मनी कंट्रोल में देखूँ तो भैया सिचुएशन अभी भी काफी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अभी भी काफी शानदार देखने को मिले, लेकिन काफी हाई पी के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है। अभी 91 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 27 के आसपास है, बुक वैल्यू 82 है, प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 4 के आसपास देखने को मिला है, ईपीएस 3.63 है और डिलीवरीज 45-46 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, 100% लोग कह रहे हैं कि बढ़िया मौका है ये आपको और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम अगर देखने जाए वैरॉक के, अगर मैं आपको यहाँ पर नतीजे दिखाऊं तो जून क्वार्टर में हालांकि इनको नुकसान हुआ है, 319 करोड़ का लॉस हुआ था और एक्चुअली ये नुकसान एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि देखिए लॉकडाउन का पीरियड था, सब लोग घर पे पड़े थे, कोई कहीं नहीं जा रहा था, सारे के सारे इनके जो प्लांट्स थे वो बंद थे, सप्लाई चेन पूरी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, कुछ भी यहाँ पर बिजनेस नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली असर पड़ा है, 319 करोड़ का लॉस हुआ है, मार्च में भी 126 करोड़ का लॉस इनको जरूर हुआ है, इससे पहले कंपनी 21 करोड़ 30 करोड़ 85 करोड़ तक के मुनाफे कर चुकी है। तो याद रखिए जून में नतीजे बुरे आए हैं क्योंकि लॉकडाउन था, अब जब सितंबर के नतीजे आएंगे तब आपको डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, अच्छा मुनाफा आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी का कामकाज शुरू हो चुका है। जिन कंपनियों के ऊपर जून क्वार्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर रहा उन कंपनियों के जो और जिनके नतीजे अच्छे नहीं आए, सितंबर में उनके नतीजे आपको काफी बेहतर देखने को मिलेंगे क्योंकि बिजनेस ओपन हो चुका था उनका, तो वो चीज भी हमें यहाँ पर याद रखनी चाहिए। हालांकि कुछ नेगेटिव चीज भी यहाँ पर है, 85% प्रमोटर की होल्डिंग है, इक्विटी शेयर गिरी नहीं, लेकिन एफआईएस यहाँ पर कंटिन्यूस हर क्वार्टर में बिकवाली कर रहे हैं, 6.77% की होल्डिंग 0.27% तक पहुंच चुकी है, म्यूचुअल फंड जहां थे वही है, 5.14% की होल्डिंग 5.63% है, इंश्योरेंस कंपनी ने हालांकि खरीदारी की है जो पहले कुछ भी नहीं था वो बाद में 0.44% रहा, अब 0.86% तक की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। देखिए वैरॉक इंजीनियरिंग का अगर आप चार्ट मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए पिछले एक महीने का चार्ट कैसा था, 190 रुपए और 200 रुपए के आसपास के रेंज में ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, फिर सडनली एक बड़ी रैली आई और शेयर को 350 तक लेके चली गई। ठीक है, अगर मैं आपको शुरुआती दौर से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि शेयर में धीरे धीरे तेजी आई है, बीच में अगर गिरावट भी आपको देखने को मिली है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जब शेयर 130 रुपए पर था तेजी आई थी, 172 पर पहुंचा था, बाद में ये 160 रुपए तक भी चला गया था, 12 रुपए शेयर डाउन हुआ था, फिर बाद में तेजी आई और 160 से सीधा 198 तक पहुंचा, बाद में वापस गिरावट आई और 198 से सीधा 182 रुपए तक, 182 रुपए तक शेयर गया, मतलब 16 रुपए डाउन हुआ ये शेयर, बाद में फिर से तेजी आई, 228 रुपए के आसपास पहुंचा, बाद में ऐसी गिरावट आई कि शेयर 190 रुपए से भी नीचे टूट गया, फिर तेजी आई 230 तक गया, वापस शेयर में गिरावट आई 210 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया, बाद में वापस एक बड़ी रैली आपको देखने को मिली। तो अभी भी अगर मैं आपको यहाँ पर प्राइस रेंज दिखाने की कोशिश करूँ तो अभी 200-350 रुपए के आसपास शेयर है, वापस थोड़ा नीचे जाएगा ये शेयर, 330 या फिर 320 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन वहां से अगेन आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी जो इसको वापस 350-370 रुपए तक भी लेके जा सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको पैसों की अर्जेंटली जरूरत नहीं है, आपका नजरिया अभी भी 3-4 महीने तक निवेशित रहने का है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिए, प्लीज बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिए क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसके ऊपर, तो आप एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं पहले 20 क्वांटिटी खरीदिए, वेट करें, थोड़ी गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए। लेकिन एक साथ अगर आप बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं तो याद रखिए एक प्राइस रेंज पर आप फंस के रह जाते हैं, फिर आप कमेंट में कहते हो कि सर मैंने 10,000 शेयर खरीदे, 20,000 शेयर, अब क्या करूं, गिरावट आने वाली है, आएगी, तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि भैया आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सको, ये नहीं कि एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर खरीद लो फिर वहीं पर आप फंस के रह जाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक साथ मत खरीदो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, ये सोच के खरीदारी करो कि यहाँ पर गिरावट आ सके तो आपके पास थोड़ा सा पैसा हो जिससे आप एटलीस्ट थोड़ी सी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सके। तो अभी भी मुझे लगता है कि शेयर थोड़ा सा गिरेगा, 320 रुपए के आसपास जाएगा, लेकिन वहां से वापस आपको 350, 360, 370 रुपए तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो
तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जैसे कि मैंने कहा उस तरीके से आप बाइंग कर सकते हो। तो इसी और वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वैरॉक इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।